तो हे गाइस, मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं विक प्रो गेमिंग। तो माइनक्राफ्ट की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर जो डोरेमोन है वो क्राफ्ट कर सकते हो। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये रहा अपना डोरेमोन जो कि आप लोगों ने देखा होगा कार्टून सीरीज के अंदर, और ये रहा अपना जो एनिवेडोर है वो। तो आप लोगों को पता होगा जो एनीवेयर डोर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट करने के लिए काम आता है। उसके अलावा आप लोगों को सारे के सारे जो गैजेट्स हैं वो भी मिल जाएंगे इसके अंदर डोरेमोन के। और वीडियो में आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग जो सारे गैजेट्स हैं और ये डोरेमोन वगैरह हैं ये कैसे क्राफ्ट करोगे। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या कर देना है, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों में शेयर कर देना है, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्लिक करके ऑल के ऊपर सेट कर देना है ताकि आने वाली जो वीडियो है आप लोगों से मिस ना हो सके। और वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है क्योंकि जो फाइल मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो लॉक्ड फाइल रहेगी, तो उसका जो पासवर्ड है वो वीडियो के अंदर आप लोगों को कहीं भी मिल सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो चलिए मैं जल्दी से अब जो वीडियो है इसको स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे एनीवेयर डोर मिलेगा। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे टोमिनेटो मिलेगा, ये आप लोगों को बता देता हूँ गायब करने के लिए आती है। आप लोगों को पता होगा डोरेमोन अगर आप लोग देखते हैं तो, यहाँ पे ये देखिए ये रही स्मॉल लाइट, ये रही अपनी बिग लाइट। उसके अलावा यहाँ पे ये देखिए ये रहा डोरा केक। यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हुए हैं जापानीज नाम लिखे हुए हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो डोरेमोन है वो जापानीज कार्टून सीरीज है, तो इसलिए जितने भी नाम हैं यहाँ पे आप लोगों को जो जापानीज लैंग्वेज है उसके अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये जो डोरेमोन एडोन है ये स्पेशली सर्वाइवल के लिए बनाया गया है। आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो एनीवेयर डोर है मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब दूसरा जो एनीवेयर डोर आप कहीं भी रख सकते हो, जहाँ पे भी आप लोगों की मर्जी हो, या फिर आप लोग कोई भी माइनिंग के अंदर रख सकते हो। अगर आप लोग रास्ता जो है भटक जाते हो, आप लोग दोबारा से आपकी माइनिंग जो है वो आपके घर से काफ़ी दूर है, तो आप लोग एक डोर जो है अपने घर में लगा दीजिए और एक डोर है अपने माइनिंग में लगा दीजिए। फिर जैसे ही आप लोग माइनिंग वाले गेट के ऊपर जाओगे और यहाँ पे ये बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप लोग अपने घर वाले जो एनीवेयर डोर है उसके अंदर आ जाओगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं डायरेक्टली यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, दोबारा मैं रैप के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए मैं माइनिंग वाला जो डोर है उसके ऊपर आ चुका हूँ। मैंने इसको माइनिंग में नहीं लगा रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो सर्वाइवल के अंदर। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये जो एडोन है फुल्ली सर्वाइवल के लिए ही बनाया गया है। आप लोगों को मैं इसमें क्रिएटिव के अंदर तो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को इजीली समझा सकूँ सब कुछ, लेकिन आप लोगों को जो ये सर्वाइवल के अंदर यूज कर सकते हो। उसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ ये बिग लाइट और स्मॉल लाइट। ये जो स्मॉल लाइट और बिग लाइट है ये डोरेमोन के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप लोग किसी भी दूसरे मॉब के ऊपर ये यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को जो फिश वगैरह है मैं उनके ऊपर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो फिश है वो कितनी बड़ी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग जो है फिश या फिर किसी भी एनिमल को बड़ा कर सकते हो। यहाँ से स्मॉल लाइट का यूज़ करके आप लोग दोबारा से इनको छोटा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए छोटे हो चुके हैं। यहाँ पे ये रहा अपना डोरा केक जो कि आप भी खा सकते हो और अपना जो डोरेमोन है इसको भी खिला सकते हो। तो जब आप लोग डोरेमोन को डोरा केक दोगे तभी आप लोगों को जो गैजेट्स वगैरह हैं ये सब मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे का जो प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आप लोग कैसे इसे डाउनलोड करोगे। तो डाउनलोड करने के लिए आप लोगों नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दे रखी है, आप लोगों सिंपली से ज्वाइन कर लेना है। उसे ज्वाइन करने के बाद में आप लोगों को वहाँ पे इसकी जो डाउनलोड लिंक है वो मिल जाएगी, वो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक होगी। तो आप लोग वहाँ से इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप लोगों नीचे पिंड कमेंट में जाना है, वहाँ पर मैंने जो इसकी डाउनलोड लिंक है वो डाल दिया, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये जो फाइल आप लोगों को .mc एडोन के अंदर मिलेगी तो आप लोग डायरेक्टली इसे अपने माइनक्राफ्ट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, आप लोगों को कुछ भी कट पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आप लोग जो है वो फाइल अपने माइनक्राफ्ट के अंदर इंपोर्ट कर लोगे, तो चलिए आगे का जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को अब समझा देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग वो फाइल अपने माइनक्राफ्ट के अंदर इंपोर्ट कर लो, तो उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जो प्ले है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ से क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके अपना जो नया वर्ल्ड है वो क्रिएट कर लेना है। यहाँ से गेम मोड को मैं यहाँ से क्रिएटिव कर देता हूँ, आप लोग इसको सर्वाइवल रख सकते हो। उसके बाद में आप लोगों को नीचे की साइड आना है, यहाँ से जो एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले है ये तीनों बटन ऑन कर देने हैं। यहाँ से आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो एजुकेशनल एडिशन है ये भी आप लोगों को यहाँ से ऑन रखना है। बाकी अगर आप लोग इसे ऑन नहीं रखोगे तो आप लोगों का जो एडोन है ठीक से वर्क नहीं करेगा, ठीक से तो क्या ये वर्क करेगा ही नहीं। तो आप लोगों को जो पाँच बटन आप लोग देख सकते हैं, पाँचों के पाँचों बटन आपके ऑन होने चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को रिसोर्स पैक में आना है, माई पैक्स में आना है, और यहाँ पे देखिए डोरेमोन RP जो लिखा हुआ है यहाँ से इसको एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद में बिहेवियर के अंदर आना है, माई पैक्स में जाना है, और ये डोरेमोन BP वाला है इसको यहाँ से एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप लोग इन दोनों को यहाँ से एक्टिवेट कर दो, तो उसके बाद में जो क्रिएट है इसके ऊपर क्लिक करके जो वर्ल्ड है उसको क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो रिसोर्स पैक है वो लोड होना चालू हो गया है। थोड़ी देर के अंदर जो मेरा वर्ल्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। जितनी देर मेरा जो वर्ल्ड है वो क्रिएट होने में लगाता है उतनी देर में जाके आप लोग जल्दी जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। तो चलिए मैं वेट कर लेता हूँ जब तक मेरा वर्ल्ड है वो क्रिएट होता है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज, जो मेरा वर्ल्ड है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अब आप लोगों को मैं जो डोरेमोन है वो क्राफ्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इन्वेंटरी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक तो क्राफ्टिंग टेबल ले लेता हूँ, उसके अलावा मैं यहाँ से जो आयरन इंगट है वो ले लेता हूँ, डायमंड ले लेता हूँ, उसके अलावा मैं यहाँ से मिल्क ले लेता हूँ, और इसके अलावा मिल्क लेने के बाद में मैं यहाँ से जो ब्रेड है वो भी ले लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेड है उसका भी काफ़ी सारा यूज है। उसके अलावा जो कुकीज़ है ये भी मैं ले लेता हूँ। तो चलिए अब आप लोगों को मैं जो क्राफ्टिंग रेसिपी है वो दिखा देता हूँ। ऐसे आप लोगों को जो क्राफ्टिंग टेबल वो ऑन कर लेनी है, उसके बाद में जैसे मैं आप लोगों को ये लगा के दिखा रहा हूँ, आप लोगों को सेम टू सेम वैसे ही लगाना है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप लोगों को लगा देना है, और यहाँ पे जो डायमंड है वो नीचे की साइड में लगा देने हैं। तो यहाँ पे मैं डायमंड इसको फैला के रख देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो डोरेमोन है वो क्राफ्ट हो चुका है। तो यहाँ से जो डोरेमोन अपन यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपन ने जो डोरेमोन है वो क्राफ्ट कर लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो अपने को क्राफ्ट करनी है वो है डोरा केक। तो चलिए डोरा केक का भी रेसिपी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो जो कुकीज़ है उसको इस तरीके से रख देना है यहाँ पे। इस तरीके से रखने के बाद में जो ब्रेड लेना है, ब्रेड को भी आप लोगों को फैला देना है इस तरीके से। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो अपना डोरा केक है वो बन चुका है। मैं जितना बनता है वो ले लेता हूँ। तो इस हिसाब से जो डोरा केक आप लोग ले लो, तो आप लोग क्या करना है, डोरा केक हाथ में रखना है और डोरेमोन के पास आके जो ट्रेड वाला है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। मैं यहाँ से जो एक तो बिग लाइट ले लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं बिग लाइट ले लिया मैंने, स्मॉल लाइट ले लेता हूँ मैं। यहाँ से जो है इनविजिबल वाली जो कारपेट होती है, फिर जो भी इसको बोल सकते हैं अपन पर्दा, तो इसको भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और उसके अलावा एनीवे डोर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पे देखिए डोरा केक जो वो खत्म हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें दिखा देता हूँ अभी, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर आप लोग जो हेलीकॉप्टर है वो भी इसके अंदर मिल जाता है। अब वो हेलीकॉप्टर नहीं होता, वो आप लोगों को पता है वो सर के ऊपर लगा के उड़ने लग जाता है ना, ये वो है। तो आप लोग इसको यूज़ करके अपने सर्वाइवल के अंदर उड़ भी सकते हो। इस तरीके से आप लोग जो है सारी की सारी चीज़ें हैं ना यहाँ से ले सकते हो डोरेमोन से ट्रेड करके, और इनका यूज़ अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर कर सकते हो। तो अब बाकी आप लोगों को मैंने ये टेस्ट वगैरह तो सारे करके दिखा दिए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार ये दिखा देता हूँ कि ये जो है ठीक से काम करेगा या नहीं करेगा। ये पर्दा लेके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, और यहाँ से जो कैमरा एंगल है मैं चेंज कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने जो कैमरा एंगल वो चेंज कर लिया। अब आप लोगों को मैं पर्दा लेके दिखा देता हूँ हाथ के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको पहन लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं इनविजिबल हो चुका हूँ यहाँ पे। अब जो भी मैं आइटम हाथ में लूँगा सिर्फ वही यहाँ पे दिखाई देगा, मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा कि यहाँ पे कोई प्लेयर वगैरह भी खड़ा है क्या। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं पूरा का पूरा जो इनविजिबल हो चुका हूँ, सिर्फ मेरा जो मूवमेंट है वो नज़र आएगा यहाँ पे। तो दोबारा से विजिबल होने के लिए मेरे को क्या करना है, जो मिल्क है ये ले लेना है और ये मिल्क पी लेना है। तो जैसे मैं मिल्क पी लूँगा तो यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से जो मेरा प्लेयर है वो विजिबल हो चुका है आप लोगों के सामने। तो इस तरीके से आप लोग जो डोरेमोन अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर क्राफ्ट कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, और इस तरीके से आप लोग जो अपने फ्रेंड्स को ट्रोल है वो भी आराम से कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।